अल्मोड़ा की सड़कों में डामरीकरण और सुधारीकरण नहीं होने से नाराज विधायक मनोज तिवारी ने प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। घेराव करने पहुंचे विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि बारिश के बाद अल्मोड़ा विधानसभा की सड़कें बदहाल हो चुकी है। वहीं सड़क पर पेंच वर्क और दीवार निर्माण के लिए अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर विधायक मनोज तिवारी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर अधिशासी अभियंता का घेराव कर 6 नवम्बर तक सड़क सुधारीकरण का अल्टीमेटम दिया। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। बरसात के बाद पूरे विधानसभा के अंदर और अल्मोड़ा शहर के अंदर जो हमारी मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गई थी, जहां दीवालों का निर्माण होना था, और मेरे द्वारा विभाग के दोनों प्रांतीय खंड निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता को 2 बार लिखित दे दिया और मौखिक तो कई बार अवगत करा दिया कि शीघ्र इसका, क्योंकि पर्यटक सीजन प्रारंभ हो रहा है और जनता को आए दिन परेशानी हो रही है, इसको देखते हुए इसका तत्काल पैचेस वर्क पूरे किए जाएं। और जगह जगह आपकी भी जानकारी में होगा कि बरसात में अक्सर पैच बन जाते हैं। शासन और सरकार की मंशा भी है कि पैच जल्दी से जल्दी भर दिए जाएं। हमने टेंडर भी किए थे और कुछ समस्याएं आई, ठेकेदार टर्न अप नहीं हो पाए, हम अन्य तरीके से भी काम करने में लगे हुए हैं और अब आप लोगों को इन शिकायतों का मौका नहीं मिलेगा। हमने माननीय विधायक जी से भी बात करी।